हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जामिक्स। मैं तनय कुमार आज आपको बताने वाला हूँ लॉजिक गेट्स के बारे में। क्लास 12th का जो एग्जाम है उसमें ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें स्कोर करना बहुत ही इजी है। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें बहुत कम मेहनत में इसे समझकर हम लोग इसके क्वेश्चन को आंसर करके इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले समझते हैं इसके डेफिनेशन को, ठीक है। तो डेफिनेशन इसका क्या है, मैंने इसका डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसलिए लिखा है ताकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो भी अपने आप को तैयार कर सके इसके लिए। तो इसका डेफिनेशन है, अ गेट इज अ डिजिटल सर्किट। ये गेट है, लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है, ठीक है, दैट फॉलो सम लॉजिकल रिलेशनशिप। ये लॉजिकल रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लॉजिक गेट है ये इसी लॉजिकल रिलेशनशिप के ऊपर ही बेस्ड है। और लॉजिकल रिलेशनशिप किसमें है, जब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो दो चीज होगा, एक इनपुट होगा दूसरा आउटपुट होगा। तो ये जो लॉजिकल रिलेशनशिप है ये इनपुट और आउटपुट के बीच होता है और इनपुट आउटपुट वोल्टेज के बीच होता है और इसी वजह से, इसी लॉजिकल रिलेशनशिप की वजह से इसे लॉजिक गेट कहते हैं। अब हिंदी में हम लोग देखते हैं कि इसको तार्किक द्वार भी कहते हैं, लॉजिकल गेट्स को हम लोग तार्किक द्वार कहते हैं। और इसमें वही है जो इनपुट और आउटपुट, तो हमारा निवेश और निर्गत है उसके बीच के तार्किक संबंध, जो लॉजिकल रिलेशनशिप है उसको हम लोग हिंदी में तार्किक संबंध करते हैं, वो स्थापित करता है, इसी वजह से इसे लॉजिक गेट का, ठीक है। हमने इसके डेफिनेशन के बारे में तो समझ लिया, अब हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं। सबसे पहला है, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमारा एक जगह से दूसरे जगह जाता है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जाएगा कि नहीं जाएगा ये डिसाइड करता है कि हमें इंफॉर्मेशन आगे भेजना है कि नहीं भेजना है। उस तरह हिंदी में ये सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करता है, ठीक। दूसरा चीज इसमें है कि इसमें हम लोग इनपुट में, जो निवेश में, हम लोग केवल दो वैल्यू ही देते हैं और वो वैल्यू है 0 और 1। जैसे कंप्यूटर में हमारा 0 और 1 ही यूज होता है ना, उसी तरह इसमें भी हमारा 0 और 1 वैल्यू ही इनपुट होता है। और 0 को हम लोग 0 वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को हम लोग 5 वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हम लोग को समझना होता है कि 1 का मतलब क्या, 1 का मतलब हम लोग ये कहेंगे कि 5 वोल्ट और 0 का मतलब 0 वोल्ट, ठीक है। लेकिन हम लोग इनपुट डालेंगे 0 और 1। और तीसरा चीज ये है कि इस जो लॉजिक गेट है इसके बिहेवियर को या इसके वर्किंग को समझने के लिए हम लोग एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं, एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग एक इनपुट देते हैं इधर और इधर आउटपुट देते हैं। आउटपुट बताते हैं कि इनपुट में मेरा क्या रहेगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा, 1 रहेगा, क्या रहेगा, और यहाँ आउटपुट में हम लोग उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग सत्यमान सारणी कहते हैं, ठीक है। इसको ट्रूथ टेबल भी, जब क्वेश्चन पूछा जाए आपको हिंदी में तो इसको ट्रूथ टेबल भी लिखा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि लॉजिक गेट्स होते कितने तरह के। तो सिंबल हम यहाँ पे दिखाए हैं, यहाँ पे मैंने सिंबल दिखाया है लॉजिक गेट्स का। ये है एक और गेट, ठीक है, इसको हम लोग और गेट, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। पहले इसको हम सिंबल के तरह समझ लेते हैं कि ये है क्या क्या। ये है एंड गेट, इसको बनाते किस तरीके से हैं उसका आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि इसमें इनपुट होते हैं 2, और गेट में इनपुट होते हैं 2, और एंड गेट में भी इनपुट, कम से कम 2 इनपुट जरूर होंगे, इसमें और ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 इनपुट होने ही चाहिए। तीसरा है ये नॉर गेट, ठीक है, और का उल्टा होता है नॉर गेट। इसके डिटेल में हम लोग जाएंगे बाद में, अभी केवल हम लोग इसके इमेज को समझते हैं, सिंबल को समझते हैं, ठीक है। और इस और गेट और नॉर गेट में डिफरेंस क्या है कि ये एक सर्कल या एक नॉट गेट का एक सिंबल यहाँ पे रहता है, एक सर्कल टाइप का यहाँ पे आगे रहता है और गेट। उसी तरह एंड गेट का उल्टा होता है आपका नैंड गेट, और उसी में डिफरेंस केवल यहाँ पे इस सर्कल का होता है और एंड गेट के सिंबल के साथ साथ इसको एक सर्कल भी जोड़ते हैं हम लोग। और लास्ट में हम लोग देखते हैं नॉट गेट, ठीक है। ये नॉट गेट है, इसको हम लोग इनवर्स भी कहते हैं, इसलिए हम लोग जब इनपुट ए डालते हैं तो इसका आउटपुट जो है ठीक उसका उल्टा होता है। कहीं पर आपको इनपुट ए दिखेगा, आउटपुट आपको वाई दिखेगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आप आउटपुट में लिख देंगे, ये तो हम बस
मानते हैं कि हम लोग इसका आउटपुट वाई निकला या ए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको क्यू लिखें या वाई लिखें या यहाँ पे जेड लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम क्यू भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग इसको वाई ही लिखेंगे। हाँ, कि लोग बुक में यहाँ पे कई जगह वाई लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसके सिंबल को तो समझ लिया कि और गेट को किस तरीके से सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एंड गेट को किस तरीके से सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एक और गेट है एक्स और गेट, ये हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, इस डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हमको केवल इन्हीं पांच गेट पे कंसंट्रेट करना है। ये जो फाइव गेट्स हैं इस पे हमको कंसंट्रेट करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग नॉट गेट से। ठीक है, उसके बाद हम लोग एंड गेट देखेंगे। हाँ, उसके बाद हम लोग और गेट देखेंगे, उसके बाद हम लोग नैंड गेट देखेंगे, और लास्ट में हम लोग नॉर गेट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला है नॉट गेट। नॉट गेट जैसा मैंने बताया कि जो भी इनपुट होगा आउटपुट ठीक उसका उल्टा होगा। ठीक है, अगर मैंने इनपुट डाला जीरो, जीरो वोल्ट का, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, वन, मतलब पांच वोल्ट। ठीक है, और जब इनपुट मेरा वन रहेगा तो आउटपुट आएगा मेरा जीरो, ये जीरो वोल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल हम लोग क्या बनाते हैं, जैसे इनपुट, इनपुट में मैंने क्या डाला जीरो, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा वन। ठीक है, अब इनपुट जब हमारा वन होगा आउटपुट क्या होगा जीरो। ठीक है, ये क्या करता है, आपके इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, या उस फिर उसका उल्टा, वो जो भी आपने इनपुट डाला है उसका उल्टा देता है, या इस वजह से इसे हम इन्वर्टर कहते हैं। इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो भी इनपुट मैंने डाला नॉट गेट में, जो भी इनपुट हम लोग डाल रहे हैं, हमें आउटपुट ठीक उसका उल्टा मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। ये आपके इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, इसी वजह से हम इसको इन्वर्टर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे हमें इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिलोमक, प्रतिलोमक। ठीक है, इसको हम लोग प्रतिलोमक कहते हैं। और ये जो है आपका बहुत अच्छा यूज होता है जब आपको किसी भी चीज का आउटपुट ठीक उसके अपोजिट, आपके इनपुट के अपोजिट अगर यूज करना हो, तो इस गेट को हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है एंड गेट। एंड गेट, एंड का हिंदी में जो होता है उसका मीनिंग होता है और। ठीक है, तो ये हमारा जो वर्ड का जो मीनिंग है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है। ये हमारा एंड गेट है, इस एंड गेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, ये हमारा सिंबल हो गया। हाँ, और हम इसका फिर किस तरह से ये काम करता है, इसका फंक्शनैलिटी क्या है, फिर इसका आउटपुट, हम जो भी इनपुट देंगे उसका आउटपुट किस तरह से निकलता है, ये हम ट्रूथ टेबल के थ्रू समझते हैं। तो हमारा इनपुट यहाँ पे कितना है, ए और बी है, ये हमारा इनपुट है, और आउटपुट हमारा एक है। तो हम लोग इसको देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इनपुट ले लेंगे यहाँ पे ए बी, आउटपुट हम लोग लेंगे वाई। अब हमने आपको बताया था कि लॉजिक गेट में इनपुट केवल दो ही वैल्यू हो सकते हैं, या तो जीरो होगा या वन होगा। ठीक है, इसमें कोई तीसरा वैल्यू हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन आता है, हाँ, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा। ये हमारा बिल्कुल अलग होता है अपने, हमारे जो नॉर्मल अलजेब्रा होता है ना, हाँ, उससे बिल्कुल अलग होता है। जैसे हमारे बुलियन नॉर्मल अलजेब्रा में क्या होता है, वन प्लस जीरो हमारा वन होता है, जीरो प्लस वन भी हमारा वन होता है, लेकिन 1 प्लस वन क्या होता है, टू। लेकिन यहाँ पे हमारा 0 और 1 के अलावा और कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 1 प्लस वन यहाँ पे क्या माना जाता है कि जब दोनों इनपुट 1 है तो हमारा आउटपुट। ठीक है, ये एडिशन है। उस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे कि जब हमारा इनपुट 1 है और उसका दूसरा इनपुट हमारा 0 है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 0। जब हमारा एक इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट 1 है, तो वो भी होगा 0। जब दोनों इनपुट हमारे
वन होंगे, हाँ, तब जाकर के हमारा आउटपुट होगा वन। यहाँ पे इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एंड गेट है वो मल्टीप्लीकेशन रूल फॉलो करता है, मल्टीप्लीकेशन रूल को फॉलो करता है। तो अब जब भी हमारा ये ए और बी का इनपुट होगा तो हम लोग देखेंगे ए इंटू बी या इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। तो इनिशियल केस में हम लोग देखेंगे कि जब दोनों वैल्यू ए और बी जीरो है, ठीक है, जब दोनों वैल्यू जीरो है तो उस केस में ए इंटू बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस जो केस हमारा दूसरा होगा वो होगा कि ए जीरो है और बी मेरा वन है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, जीरो। तो जब हमारा इनपुट जीरो हुआ और दूसरा इनपुट हमारा वन है, हाँ, उस केस में भी हमारा आउटपुट जीरो ही होगा, ठीक है। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस में ए जो है हमारा वन और बी जो है वो हमारा जीरो होगा। तो इस केस में भी हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल देखेंगे ए इंटू बी और हमारा आउटपुट होगा जीरो, ठीक है। चौथा केस क्या है, चौथा केस जब दोनों ही इनपुट हमारे वन होंगे, ठीक है, तो दोनों ही इनपुट हमारे वन होंगे तो वन इंटू वन हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंड गेट का ट्रूथ टेबल, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग उसी तरीके से और गेट का देखेंगे। तो और का जो मीनिंग होता है हिंदी में वो होता है या और, ठीक है। अब हम लोग इसको समझेंगे कि आइदर ए और बी कोई भी इनपुट हो, हमारा आउटपुट किसी भी इनपुट का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके हिसाब से होगा। तो यहाँ पे हम लोग का एडिशन रूल, जो बुलियन अलजेब्रा का एडिशन रूल हमने यहाँ पे देखा, ये एडिशन रूल, ये वाला एडिशन रूल, ये यहाँ पे फॉलो होगा। ये बुलियन अलजेब्रा का एडिशन रूल है, एडिशन रूल हमारा यूज होगा और वो ए प्लस बी के तरह काम करेगा, ठीक है। तो हमारा ए, जब हमारा इसको हम लोग ले लेंगे इनपुट और ये होगा हमारा आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट में हमारा क्या क्या वैल्यू है, ए बी, आउटपुट में हमारा है वाई, ओके। तो फर्स्ट केस में हमारा इनपुट क्या होगा, जीरो, ए भी जीरो और बी भी जीरो, ओके। तो अब यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आएगा, ए प्लस बी, जीरो प्लस जीरो, आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब दूसरा केस, दूसरा केस क्या है, जब हमारा ए जीरो हो और बी मेरा वन हो, तो इस केस में जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन, मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, वन, ओके। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है जब मेरा ए वन है और बी जीरो है, तो इस केस में भी वन प्लस जीरो, वन प्लस जीरो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा तीन केस। लेकिन चौथा केस थोड़ा सा अलग है जो कि बूलियन अलजेब्रा का हमारा फॉलो करता है, हाँ, वो हमारा नॉर्मल अलजेब्रा में फॉलो नहीं होता। हमारा इनपुट है दोनों ही, ए का भी वन है इनपुट और बी का भी इनपुट वन है। तो इन इस केस में हमारा बूलियन अलजेब्रा क्या करता है, जब हमारा ए और बी दोनों ही वन हो, वन प्लस वन का वैल्यू, आउटपुट वैल्यू वन ही होता है, क्योंकि ये होता है मैक्सिमम और ये भी होता है मैक्सिमम। आपका कहने का मतलब है कि कोई किसी सर्किट में अगर 5 वोल्ट आ रहा है और इधर से भी 5 वोल्ट आ रहा है तो हमारा फाइनल जो आउटपुट होगा वो 5 वोल्ट ही होगा, वो उससे कम नहीं हो सकता, वो जीरो नहीं हो सकता, वो इसका कहने का मतलब यही। और 1+1 जब हमारा इनपुट होगा तो हमारा आउटपुट 1 होगा। तो ये हमारा और गेट का ट्रूथ टेबल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नैंड गेट। नैंड गेट एक्चुअली होता क्या है, नैंड गेट सिंपल है कि एक एंड गेट होगा, ठीक है, और उसके आगे एक नॉट गेट होगा, यही हमारा एक्चुअली में नैंड गेट होता है। और इसी को तो कॉम्बाइंड फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, जो हमने नॉट गेट देखा सबसे स्टार्टिंग में, हाँ, ये नॉट गेट, यही नॉट गेट हमारे एंड गेट के बाद, जो हमारा ये एंड गेट है उसके आगे नॉट गेट हमारा कनेक्ट हो जाता है और ये नैंड गेट फॉर्म करता है, ठीक है। तो यही हमारा नैंड गेट है।
अब हम लोग सिंबल तो देख लिए कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, और इसका एक बाइफर्केशन भी देख लिए कि एंड गेट, ये हमारा एंड गेट है और ये हमारा नॉट गेट है, तो इन दोनों को मिला के किस तरीके से हम लोग नैंड गेट बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ देता है दैट एंड गेट इज कनेक्टेड टू नॉट गेट, प्लीज गिव द ट्रूथ टेबल, कि एंड गेट को नॉट गेट से जोड़ा गया है, उसका ट्रूथ टेबल हमें बनाए, तो हमें नैंड गेट का ही ट्रूथ टेबल देना है, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, अब यहां पे आप देखो कि नैंड गेट का जो भी हमारा आउटपुट था हाँ, उसको नॉट गेट क्या कर देगा, उलट देगा। ठीक है, क्योंकि नॉट गेट तो क्या है, हमारा इन्वर्टर है हाँ, वो हमारा जो भी इनपुट नॉट गेट में आएगा वो उसको उल्टा करके यहाँ पे देगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इनपुट हाँ, यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक और मैं चेंज कर दूंगा, आउटपुट में एक और बाइफर्केशन में कर दूंगा, एंड गेट का आउटपुट, एंड गेट आउटपुट हाँ, ये हमें ट्रुथ टेबल में शामिल नहीं करना है, ये केवल हम समझने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको केवल हम लोग अभी समझने के लिए यूज कर रहे हैं। अभी क्या है, जो एंड गेट है, एंड गेट में इनपुट हमारा दो है, जो ये जो हमारा नैंड गेट है, नैंड गेट में इनपुट हमारा दो है, ठीक, तो इनपुट हमारा हो जाएगा ए एंड बी और आउटपुट हो जाएगा हमारा वाई। ठीक है, यहाँ पे बीच में मैंने एक ये ले लेता हूं मैं क्यू। ठीक है, ये मैं क्यू ले लेता हूँ सिंपल, यहाँ पे एंड गेट का आउटपुट मेरा क्यू आया हाँ। अब इनिशियल केस हम लोग लेते हैं जीरो जीरो हाँ, जीरो जीरो, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं एंड गेट, एंड गेट में हमने क्या किया था, जीरो जीरो का आउटपुट जीरो था, जीरो वन का आउटपुट भी जीरो था, वन जीरो का आउटपुट भी जीरो था, और केवल वन वन जब हो, दोनों इनपुट वैल्यू मेरा वन हो, तभी आउटपुट मेरा वन होगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसको लिख ही लेते हैं कि जीरो वन का भी जीरो, वन और जीरो का भी आउटपुट था जीरो, केवल एक आउटपुट वन और वन का मेरा आउटपुट था वन। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये एंड गेट का आउटपुट था। अब ये नैंड गेट का आउटपुट कैसे होगा, नैंड गेट का आउटपुट ठीक इसका इन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दिया, वो जीरो का इन्वर्ट क्या हो जाएगा वन। ओके, यहाँ पे भी जीरो का इन्वर्ट क्या हो जाएगा वन, यहाँ पे भी जीरो का इन्वर्ट क्या हो जाएगा वन, और यहाँ पे वन का इन्वर्ट क्या हो जाएगा जीरो। तो यही है मेरा नैंड गेट का ट्रूथ टेबल, इसको अब हम हटा देते क्योंकि इसकी जरूरत यहाँ पे खत्म हो गई। ओके, इसकी जरूरत यहाँ पे खत्म हो गई है, ये हमारा ट्रूथ टेबल है नैंड गेट का। ओके, जब हमारा इनपुट दोनों इनपुट जीरो जीरो हो तो हमारा नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा, वो होगा वन। ठीक है, और वन क्यों आया ये हमने देख लिया। इसी तरीके से नैंड गेट का इनपुट, ए का इनपुट मेरा जीरो है और बी का इनपुट मेरा वन है, तो मेरा आउटपुट क्या होगा वन। और थर्ड केस है कि जब ए का मेरा वैल्यू वन है, बी का वैल्यू मेरा जीरो है, ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू जीरो, तो मेरा आउटपुट वन होगा। फोर्थ केस होगा जब दोनों ही वैल्यू मेरा वन होगा, इसका मैं कह सकता हूँ जब मेरा दोनों का साइड का इनपुट का वैल्यू हाई रहेगा या वोल्टेज हाई रहेगा, तो मेरा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा लो। ठीक है, ये हमारा आउटपुट लो जीरो, ये है मेरा नैंड गेट। ठीक उसी तरीके से हम लोग नॉर गेट को भी कर सकते हैं। नॉर गेट हमारा क्या है, और गेट का अपोजिट होगा, या फिर हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि एक और गेट लेंगे। ठीक है, ये और गेट हमने लिया हाँ, और उसके आगे हम लोग कनेक्ट करेंगे एक नॉट गेट को हाँ, ये हमारा इनपुट है ए और बी, और ये हमारा आउटपुट है वाई, ये हमारा एक मीडिएटर इनपुट है, आउटपुट है क्यू हाँ। तो ये हमारा आउटपुट हम लोग इधर लिखते हैं, इधर इनपुट लिखते हैं, इधर ए लेते हैं ए बी जो मेरा इनपुट है, ये आउटपुट मेरा क्यू जो मीडिएटर आउटपुट होगा, ये एंड और गेट का हाँ, ये होगा क्यू, और फाइनल आउटपुट जो मेरा है।
अब हम लोग पहले और गेट, जो और गेट था उसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या था हमारा वैल्यू। ठीक है, ये देखिए और गेट का, जब हमारा दोनों इनपुट जीरो था तभी ये आउटपुट मेरा जीरो था, बाकी हर केस में मेरा आउटपुट वन था। ओके, हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, ये क्यू है मेरा और गेट आउटपुट। ठीक है, जब हमारा ए का वैल्यू जीरो है, बी का वैल्यू भी जीरो है, तो हमारा आउटपुट जो और गेट का आउटपुट वो क्या था, जीरो है। ठीक है, फिर सेकेंड केस में जब हमारा ए का वैल्यू जीरो बी का वैल्यू वन, तो हमारा और गेट का आउटपुट क्या था, वन था, क्योंकि ये एडिशन रूल फॉलो करता था। ये जब हमारा ए का और इनपुट वन था, बी का भी इनपुट वन था, तो हमारा और गेट का आउटपुट क्या था, वन था, क्योंकि हमने देखा था ये और एडिशन रूल फॉलो करता है। और जब दोनों ही इनपुट मेरा वन था तो उस केस में आउटपुट भी वन था। हाँ, क्योंकि इसका बुलियन अलजेब्रा का जो एडिशन रूल है वो क्या करता है, वन प्लस वन इज टू वन होगा, या फिर हाई वोल्टेज प्लस हाई वोल्टेज हमारा हाई वोल्टेज ही देगा। ओके, अब जो आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट है वो फाइनल हमारा नॉट गेट को पास करके होता है। तो क्यू में अगर वैल्यू मेरा जीरो है, हाँ, तो उसको नॉट गेट से पास करेंगे तो वो उसका इन्वर्ट हो जाएगा, तो जीरो का इन्वर्ट क्या हो जाएगा, वन। ओके, तो फाइनल मेरा आउटपुट क्या आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे कि जब मेरा ये जो नॉट गेट है, नॉट गेट के पहले जो इनपुट है मेरा वो है वन, तो वाई मेरा फाइनल क्या आ जाएगा, जीरो। और इन बाकी के दोनों केस में ये जीरो ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वन का इनवर्ट जो होता है वो जीरो ही होता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि और गेट का ठीक अपोजिट होता है नॉर गेट। ओके, और ये जो हमारा ट्रुथ टेबल है नॉर गेट का कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये हमारा नॉर गेट का ट्रुथ टेबल हो गया, ये हमारा नॉर गेट का सिंबल हो गया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमारा नॉर गेट है और नैंड गेट है, इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों गेट के बेसिस पे या इन दोनों गेट को यूज करके हम किसी भी तरह का सर्किट तैयार कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। इसी नोट के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। हाँ, अगर इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन चीजों के बारे में, सारे गेट्स के, लॉजिक गेट्स के बारे में समझ सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।